जय गुरुदेव। बच्चों कैसे हो आप? बच्चों कल हमने छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के शब्द करे थे। आगे हम करेंगे ए और ऐ की मात्रा वाले शब्द। ए की मात्रा में अब शब्द के साथ जब हम उस व्यंजन के साथ मात्रा को जोड़कर फिर लिखते हैं। व्यंजन के साथ कैसे लिखेंगे हम इसे? पे न पेन, मेज मेज, पेड़ सेब सेब, केला केला, मेला मेला, ठेला ठेला, बेटा बेटा, बेसन बेसन, करे ला करेला, जलेबी जलेबी, पहेली पहेली, रेलगाड़ी, मेहमान मेहमान, अकेले अकेले। अब इन सब में हमने क्या आपने क्या चीज देखी है कि हमने हर व्यंजन के साथ जब हम मात्रा को लगाते हैं तो उसके साथ जोड़ के हम उसे बोलते हैं। जैसे पे मे पे से के ला ला कर ले के साथ आ की मात्रा लग के ला मे ला ठे ला बे टा बे सन करे ला ज ले बी। तो हर शब्द के साथ उसकी मात्रा के साथ बोला जा रहा है इसे हर व्यंजन को। प हे ली पहेली, रे ल गाड़ी रेलगाड़ी, में हमान अ के ले अकेले। अब हम करेंगे आई की मात्रा के शब्द। आई की मात्रा में पैर, प के साथ आई की मात्रा पै बन गया। क्या बना? क्या बोलेंगे हम इसे? पै पैर, तैर, जैन, बैर, मेला, खेला, फैला, दया, चैना, रैना, मैना, मैया, पैदा, मैदा, पैसा, वैसा। हम दोबारा फिर इसे पढ़ेंगे। पैर, तैर, जैन, बेर, मेला, खेला, फेला, दया, चैना, रैना, मैना, मैया, पैदा, मैदा, पैसा, वैसा। इस तरीके से हम ए और ऐ की मात्रा के शब्द को बोलकर पहले हम इन शब्द को अच्छे से बोलेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे। एक शब्द को आप कम से कम 4 या 5 बार बोल बोलकर फिर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। जब तक आपको यह बोलने नहीं आएंगे, तब इनकी पहचान नहीं होगी, तब तक आप मात्राओं का आपको अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बच्चों आपको एक ही चीज मैं बार बार कह रही हूँ कि मात्राओं को इनको बोल बोल कर लिखो और समझो। इस वीडियो को कम से कम आप 3-4 बार आप देखोगे, पढ़ो, अपने आप बोलोगे, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ए और ऐ की मात्रा के वाक्य वाले शब्द पूरे होते हैं। जय गुरुदेव बच्चों।